नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक वी के चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम 2019 जो भर्ती प्रोसेस में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिजिकल रिपोर्ट यानी कितना कंपटीशन रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में कितने छात्र बैठने वाले हैं फ्रेंड्स अप्रोक्स, और वीडियो पूरी कर देखना, स्किप मत करना ताकि आपको सारी जानकारी सटीकता से मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है, प्लस सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। और यदि आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम की स्टडी करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज हमसे जुड़ जाएँ, क्योंकि हम यहाँ पर स्टडी भी करा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम 2019 की यहाँ पर फिजिकल रिपोर्ट बताने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर अलग अलग डेटों का डाटा मिलने वाला है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये बताने वाले हैं कितने छात्र अप्रोक्स यहाँ पर बैठ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। यानी कि सभी डेटों का हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ डेटों का हमारे पास बच्चों ने कमेंट अकॉर्डिंग डाला हुआ है और पता चला है फ्रेंड्स हमें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 12 दिसंबर की, सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 200 बच्चे बुलाए गए थे और 150 बच्चे यहाँ पर पहुँच पाए, लेकिन 98 बच्चे यहाँ पर क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर बता देते हैं कि ज़्यादातर बच्चे कहाँ पर निकले हैं, रेस में निकले हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर चेस्ट में भी निकले हैं और हाइट में भी बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पर निकले हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 दिसंबर में 200 बच्चे बुलाए गए थे, 132 बच्चे पहुँच पाए, लेकिन यहाँ पर 54 बच्चे क्वालिफाइड हो पाए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बरेली के 200 बच्चे बुलाए गए थे फ्रेंड्स, लेकिन 164 बच्चे वहाँ पर पहुँच पाए, लेकिन वहाँ पर 75 बच्चे क्वालिफाइड हो पाए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दहेली की 14 दिसंबर की फ्रेंड्स ये न्यूज है। यहाँ पर 200 बच्चे बुलाए गए थे, 66 बच्चे पहुँच पाए, लेकिन यहाँ पर 74 बच्चे क्वालिफाइड हो पाए हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे बहुत कम क्वालिफाइड हुए हैं फ्रेंड्स, और ये क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि रेस में बच्चे बहुत निकले हैं और हाइट में तो बहुत ज़्यादा निकले हैं, ठीक है। और चेस्ट भी काफ़ी टाइट ली जा रही थी फ्रेंड्स। 13 दिसंबर देख लेते हैं, यहाँ पर 200 बच्चों में से 131 बच्चे पहुँच पाए, लेकिन वहाँ पर 78 बच्चे क्वालिफाइड हो पाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, डेट तो इन्होंने नहीं दी, लेकिन 200 बच्चों में से 186 बच्चे पहुँच पाए, लेकिन वहाँ पर 49 बच्चे क्वालिफाइड हो पाए हैं। यहाँ पर देख लीजिए 200 बच्चों में से 166 बच्चे पहुँच पाए, लेकिन वहाँ पर 54 बच्चे क्वालिफाइड हो पाए हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 16 दिसंबर की फ्रेंड्स, यहाँ पर 200 बच्चे बुलाए गए थे, 147 बच्चे यहाँ पर पहुँच पाए, लेकिन 93 बच्चे क्वालिफाइड हो पाए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 200 बच्चों में से 17 दिसंबर की न्यूज है फ्रेंड्स ये, 200 बच्चों में से 153 बच्चे पहुँच पाए, लेकिन वहाँ पर 87 बच्चे क्वालिफाइड हो पाए हैं। और प्रोसेस सभी की यही रही है कि रेस में और हाइट में और हमारा चेस्ट में भी बहुत बच्चे निकले हैं, ठीक है। यहाँ पर 18 दिसंबर देख लीजिए, 200 बच्चों में से 40 बच्चे पहुँच पाए, लेकिन 82 बच्चे वहाँ पर क्वालिफाइड हो पाए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स बच्चे डेट डाल देते हैं, लेकिन अपनी जगह का नाम, ये ज़्यादातर की न्यूज है फ्रेंड्स, ये लखनऊ की है, बरेली की और सीमा नगर की, मैं एक्स्ट्रा ये कोई क्लियरिटी नहीं दे सकते, लेकिन जो बच्चों ने कमेंट दिए हैं वो इसी आधार से यहाँ पर बताया है कि इतने बच्चों का फिजिकल हुआ था और इतने यहाँ पर 200 बच्चों में से 40 बच्चे पहुँच पाए, लेकिन 82 बच्चे क्वालिफाइड हुए। 19 दिसंबर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 200 बच्चों में से 66 बच्चे पहुँच पाए, लेकिन वहाँ पर 112 बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाइड किया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इससे पहले हमने जो वीडियो डाली हुई थी उसमें 2 दिसंबर और 3 दिसंबर में जो 600 स्टूडेंट, जो हमारे 600 बच्चों का फिजिकल हुआ था फ्रेंड्स, उसमें 40% का आंकड़ा निकल कर सामने आया था, ठीक है। यानी कि टोटल जो हमने अब तक एनालिसिस किया फ्रेंड्स, यानी कि जो इस पूरी वीडियो में सभी का काउंट करने के साथ साथ 2800 बच्चों का फिजिकल हुआ है, ठीक है। और जिसमें से क्वालिफाइड कितने हैं फ्रेंड्स, 1074, ठीक है। और ये फ्रेंड्स हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95 एक्यूरेसी के साथ सही साबित होने वाला है यदि बच्चों की काउंटिंग सही हुई होगी तो, ठीक है। ये आगे पीछे भी हो सकता है, कोई क्लियर नहीं है, लेकिन इससे केवल अनुमान लगा जा सकता है कि बच्चे हमारे कितने क्वालिफाइड हुए हैं और कितना कंपटीशन यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर परसेंटेज यदि निकल ली जाए तो यहाँ पर निकल कर आती है 38.36, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स अप्रोक्स 40% के अप्रोक्स यहाँ पर निकल कर आता है फ्रेंड्स, लेकिन ये सभी डेटों का डाटा नहीं है, ठीक है। यदि 40% हम इसी का अकॉर्डिंग निकाल ले जाए तो 12,000 बच्चे थे फ्रेंड्स, 12 × 48, यानी कि यहाँ पर जो रेशियो निकल कर आता है फ्रेंड्स 4800 बच्चों का आता है, ठीक है। यानी कि 4800 बच्चे यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, ठीक है। यानी कि ये अप्रोक्स है, कोई निश्चित डाटा नहीं है फ्रेंड्स, ये आगे पीछे हो सकता है और हमारे पास सभी डेटों का डाटा नहीं है, ठीक है। यानी सभी डेटों का जो डाटा निकल कर आ सकता है फ्रेंड्स, वो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे 5000 प्लस भी हो जाए और इससे 4800 से
माइनस भी रह जाए, लेकिन यहाँ पर अप्रोक्स आप मान सकते हो कि 5000 बच्चे यहाँ पर, 5 से ये मान सकते हो फ्रेंड्स 6000 तक हमारे बच्चे बैठ सकते हैं, जब तक हमारे पास पूरी डेटो का डाटा नहीं आ जाता फ्रेंड्स, हम क्लियर तरीके से आपको नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर जो हमारे अकॉर्डिंग डाटा निकल कर आता है अप्रोक्स 40% के अप्रोक्स, तो फ्रेंड्स इन डेटो के आधार से यहाँ पर निकल कर आता है 12 × 48 यानी कि 4800 बच्चे 5000 के अप्रोक्स यहाँ पर बैठने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था कुछ डाटा जिससे कि अब की बार 5000 यदि बच्चे बैठते हैं फ्रेंड्स और 1200 हमारे बच्चे ले जाने हैं, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा मौका है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स को आप बड़े ध्यानपूर्वक तैयारी कीजिए, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन बहुत आसान है और इसके बाद हमारा मेडिकल भी है फ्रेंड्स, तो ये मानकर चलिए कि आपको डिस्क्रिप्टिव में बहुत अच्छे से मेहनत करनी है यदि आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हमारे मेडिकल में बच्चे बाहर होने वाले हैं और ये प्रोसेस होने के साथ साथ लास्ट कट ऑफ के अंतर्गत भी। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की तैयारी बड़े ध्यानपूर्वक करनी है, क्योंकि सिलेक्शन बहुत आसान हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ एनालिसिस जो हमने बच्चों के लिए किया है कि कितने बच्चे यहाँ पर अप्रोक्स बैठ सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, यहाँ पर 5 से यहाँ पर और 5500 के अप्रोक्स यहाँ पर बच्चे बैठ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनते हैं, प्लस आज हमसे जुड़ जाइए यदि आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।